गुड मॉर्निंग अरिंदर, चलिए करते हैं शुरुआत अच्छे नतीजों के साथ। कौन से रिजल्ट्स आपको दिख रहे हैं दमदार? गुड मॉर्निंग सर, ये बड़े वाले जो सारे सारे स्टॉक थे, चाहे वो वेदांता हुआ, चाहे अंबुजा हुआ, आई थिंक एक्सेस हुआ, सब आपने बात करी ली है, तो मैं टाइम खराब नहीं करूंगा सर, उस पर बात ज्यादा करूंगा नहीं। मेरे हिसाब से सर, जो मुझे सबसे अच्छे नतीजे लगे जो कल आए थे, उसमें श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस और IIFL फाइनेंस सर, क्योंकि श्रीराम ट्रांसपोर्ट ऐसा कंपनी है सर जो सीवी साइकिल में बहुत स्ट्रॉन्ग कर रहा है और कर सकता भी है आगे जाके। मगर इसमें एक ही जो नंबर मैं बहुत ध्यान से देख रहा हूँ वो डिस्पर्सल नंबर है सर। ये हमें बता रहा है कि किस तरीके से डिस्बर्समेंट ग्रो कर रही है। सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही था कि अभी क्रेडिट ग्रोथ नहीं हो रहा था। अब डिस्बर्सल देखिए सर, 13% 13.5% YoY ऊपर है, 10% क्वार्टर ऑन क्वार्टर ऊपर है। आई थिंक इट्स अ रिकॉर्ड क्वार्टरली डिस्बर्सल फॉर श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस। इवन नेम्स मेरे ख्याल में 9 क्वार्टर हाई पे आए हैं, विच इज नियरली 7% वर्सेज 6.8% क्वार्टर YoY और 6.65% क्वार्टर ऑन क्वार्टर। तो किसी भी तरीके से देखिए सर, ये स्टॉक मेरे ख्याल में 1.1 1.2 बुक वैल्यू पे ट्रेड करता है, सस्ता स्टॉक है, और अगर आप सीवी साइकिल पे बुलिश है, दिस इज वन कंपनी जो आपको देखना चाहिए। IIFL फाइनेंस सर, डिस्क्लोजर सबसे पहले कि मैं बहुत बायस्ड हूँ इस पे, मैं खुद ओन करता हूँ, हमने अपने क्लाइंट्स को रेकमेंड किया हुआ है, तो एटलीस्ट जो रिजल्ट से लग रहा है सर कि मैनेजमेंट इज वॉकिंग द टॉक, जो उन्होंने बोला था उस तरीके से डिलीवर कर रहे हैं। ये कंपनी है सर, मैंने ट्वीट भी किया अभी कि ऑल मतलब 20% ROE से ऊपर कंपनी जो 1.5 टाइम बुक वैल्यू पे ट्रेड करती है। इंडिया में सर 3 ही NBFCs है सर, बजाज फाइनेंस, चोला और मुठुत, जो 20% ROE से ऊपर बनाती है, और उनका वैल्यूएशन कभी 4 टाइम है, 5 टाइम है, 6 टाइम है, उस तरीके से वैल्यूएशन है, और ये आपको 50-60% डिस्काउंट पे ये कंपनी मिल रही है। नंबर की बात किया जाए सर, तो 30% पैट इसका ऊपर हुआ है, YoY इवन क्वार्टर क्वार्टर में 4% ऊपर देखा है। नेम्स आपको इसके थोड़े से कम दिखेंगे सर, वो इसलिए बिकॉज इनकम रिवर्सल चेंजेस हुए थे एनपीए रिकॉग्निशन लॉस में RBI के थ्रू, तो उस तरीके से अगर ROE देखें तो ROE तो इम्प्रूव हुआ है इसके 2.8% से 3%। ROE जैसे मैंने बोला 21% के आसपास रहे हैं, AUM ग्रोथ हो रहा है, एसेट क्वालिटी भी आपको थोड़ा सा दिखेगा, बट दैट इज टेक्निकल फैक्टर बिकॉज RBI नॉर्म्स आए थे 12 नवंबर 2022 को। उस तरीके से अगर आप कोई बोलता है कि इसके NPS बढ़ गए हैं, That was only because the RBI norm. Otherwise, you know, मतलब जो हमारा thesis है, जिस तरीके से ये company चल रहा है, I think very very good. छोटी companies में सर, एक दो companies है, I think important है mention करना, Kirloskar Pneumatic और Phenotex Chemicals. I think जिस time पे सबको ये डर लग रहा है कि inflation ज़्यादा है, commodities ज़्यादा हो रही है, उस time पे भी इन companies ने अच्छा किया, you know, that is good. Kirloskar Pneumatic देखिए सर, YoY quarter quarter दोनों ऊपर है, margins 20% आए compared to 10% quarter quarter, 17% YoY profit ऊपर था, sales भी अच्छी आई है सर, तो सेल्स भी एटलीस्ट यू नो टॉप 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 अप यू नो ग्रोथ हो रहा है, तो विच इज अ वेरी गुड थिंग। क्वार्टर ऑन क्वार्टर 227 करोड़ से 400 करोड़ हो गया किर्लोस्कर न्यूमेटिक। फिनोटेक्स केमिकल्स एक कंपनी है सर जो टेक्सटाइल स्पेस में केमिकल्स का काम करती है, ना सिंपल लैंग्वेज, तो उस तरीके से भी इसका सेल्स YoY क्वार्टर ऑन क्वार्टर ऊपर है, मार्जिन गुड की हाँ भी YoY मेंटेन है, हमने देखा कि थोड़े से कम हुआ है क्वार्टर ऑन क्वार्टर, बट एटलीस्ट गुड रिजल्ट्स इन दैट स्पेस। सो मैं श्रीराम ट्रांसपोर्ट IIFL फाइनेंस को टॉप पे रखूंगा सर, और ये दो मिड कैप कंपनीज को देखूंगा। ओके, तो ये है आपके लिए अच्छे नतीजों की लिस्ट, और अब आइए देख लेते हैं वो रिजल्ट्स जो आपको दिख रहे हैं थोड़े कमजोरी वाले। बताएं वरिंदर, कौन से हैं वो स्टॉक्स? सर सबसे पहले इंडिया मार्ट, मतलब आई हैव नो क्लू सर कि 15,000 करोड़ की मार्केट कैप वाली कंपनी 100 करोड़ का बायबैक क्यों करती है, टू बी ऑनेस्ट यू नो, मतलब इज इट जस्ट टू शो कि हम बायबैक कर रहे हैं, 100 करोड़ बायबैक में 15,000 करोड़ मार्केट कैप को क्या फर्क पड़ता है, और आपने पहले QIP किया था उसके बाद बायबैक कर रहे हो, यू नो आई हैव नो क्लू। बट अगर नंबर्स पे ही बात किया जाए सर, तो मार्जिन्स 9 क्वार्टर लो पे है, मार्जिन्स इसके जो 40-50% होते थे आज 30% से कम हो गए हैं, सो यू नो ग्रोथ नहीं आ रहा टॉप लाइन पे, वो दिख रहा है अपने को, बट एबिटा मार्जिन इस तरीके से इंपैक्ट हो रहे हैं, एबिटा 57 करोड़ वर्सेस 80 करोड़ क्वार्टर क्वार्टर और 85 करोड़ YoY मार्जिन, जैसे मैंने बोला सर ये कंपनी 40-50% मार्जिन करती थी, अभी तो पूरा डिटोरेट हो गया सर, और महंगा बहुत महंगा स्टॉक है। और दो कंपनी जैसे स्टर्लिंग टेक्नोलॉजीज, ऑनेस्टली आई हैव नेवर बीन अ फैन ऑफ दिस कंपनी, क्वार्टर क्वार्टर देखेंगे तो आपको लॉस टू प्रॉफिट दिखेगा, बट आई एम लुकिंग YoY फॉर दिस कंपनी, YoY अभी भी एबिटा 64% डाउन है, सो यू नो नथिंग प्लीजेस मी इन टर्म्स ऑफ नंबर्स इन स्टर्लिंग टेक्नोलॉजीज। और शॉपर स्टॉप सर, जैसे कल ट्रेंड का बात कर रहे थे हम, इंडियन होटल्स का बात कर रहे थे, तो लोग थर्ड वेव का इम्पैक्ट आ रहा है इन सब कंपनीज पे, वो देखा तो इसलिए शॉपर स्टॉप के नंबर भी थोड़े से कमजोर थे। ये है आपके लिए अच्छे और कमजोर नतीजे, पूरा का पूरा विश्लेषण आपके लिए। धन्यवाद वरिंदर ये सारे रिजल्ट्स के लिए। हाँ, एक और चीज जो कल हम डिस्कस कर रहे थे शॉर्ट में, जल्दी से एक बार पूछ लें, वो जो डील हुई थी TV18 वाली, जो आप कह भी रहे थे कि ये डील अच्छी नहीं है, कल 20% निचले सर्किट पर जाकर बंद हुआ, क्या है व्यू अब आपका? सर देखिए सर, ये डील बहुत बहुत बढ़िया है, अगर आप सर वायोकॉम को देख रहे हो तो वायोकॉम के लिए बहुत अच्छा है, बिकॉज दो महारथी आ जाते हैं,
अभी उनका आईपीएल का भी बिडिंग होगा, ये सब चीजें वायकॉम के लिए बहुत अच्छा है। तो वायकॉम में जब TV18 पहले 51% ओन करता था, अभी बिकॉज अभी बहुत कुछ होने वाला वायकॉम में, तो उसका डायल्यूशन हो रहा है बहुत ज्यादा। वो डायल्यूशन मार्केट में हम सोच रहे थे कि यार 30-40% डायल्यूशन हो सकता है, बट जो सुनने में आ रहा है कि उसका डायल्यूशन अभी तक भी बाहर तो आया नहीं है, 18-20% भी हो सकता है। तो आप सोचिए कि आपका एंटिटी कितना भी बड़ा हो जाए, बट उसमें एज ए TV18 जो लिस्टेड एंटिटी है उसका शेयर होल्डिंग अगर 51% से कम हो जाता है, इतना बड़ा डायल्यूशन हो जाता है, तो वो कोई अच्छी बात नहीं है। वायाकॉम बनेगा बड़ा है, बट वो कल ही कल बने बड़ा बनने वाला नहीं है। आईपीएल का बिडिंग बहुत एग्रेसिव होगा सर, बहुत 35,000, 40,000, 50,000 करोड़ बिडिंग जा सकता है। आपको नंबर कल ही कल नहीं दिखेगा, आपको नंबर 3-4-5 साल के बाद दिखेगा, उसका नंबर दिखेगा। बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म बन जाएगा ये, आई एम वेरी श्योर अबाउट इट। बट आई एम सेइंग कि वो बहुत नजदीक नहीं है, स्टॉक ऑलरेडी 100% भाग चुका था। और वाई मतलब लिस्टेड एंटिटी में आपने कुछ रखा ही नहीं है, मतलब बहुत बहुत कम रखा है। और अगर आप शेयर होल्डिंग देखें तो उसमें जियो प्लेटफॉर्म का और रिलायंस का सर अभी शेयर होल्डिंग ज्यादा होगा TV18 से। सो नॉट प्लीज विद द वे द डील इज स्ट्रक्चर्ड। आई होप कि वो स्ट्रक्चर एक्चुअली फॉर्मली बाहर आए। एंड आई एम वेरी सरप्राइज इज अ मटीरियल सब्सिडरी, मटीरियल सब्सिडरी है सर TV18 की जो लिस्टेड एंटिटी है, और अभी तक कोई भी डिटेल्स ऑफिशियली बाहर नहीं आया। आई एम वेरी वेरी सरप्राइज। तो ये है आपके लिए पूरा का पूरा विश्लेषण। धन्यवाद वरिंदर ये नतीजों का विश्लेषण देने के लिए। आई